नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह। आज की मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में अब तक आपने देखा कि शोभना का पति रमेश अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि उनकी पहले तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल से घर आने के बाद रमेश अपनी पत्नी शोभना को बताता है कि उसका दोस्त हरीश उसके घर आने वाला है माँ से मिलने। तो हरीश माँ से मिलने आता है। दोस्तों, इससे आगे कहानी आज मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलते हैं दोस्तों आगे की कहानी देखने। अरे जानू, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई। कल शर्मा जी के यहाँ से कोई आदमी आया था, शायद उनका नौकर था, तो वो शादी का कार्ड देके गया है। ये है शादी का कार्ड, दिखा रहा तुम? पूरे एक दिन बाद चीजें दिखाती हो तुम। लीजिए, देख लीजिए कार्ड, ये लीजिए कार्ड आया है शादी का कार्ड। शादी कौन से डे को पड़ रही है? डे? अरे डे से क्या फर्क पड़ता है, शादियां तो शाम को होती है ना। तो डे का मतलब आपका ड्यूटी से है कि आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी शाम को होती है, ठीक है? तो शाम को ड्यूटी के बाद ही जाना होता है ना। अच्छा ठीक है, सोच के बताऊंगा। अरे क्या बताऊं बताऊं कि रट लगा रखी है। उनके दो ही तो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसमें से पहले ही बेटे की शादी हो चुकी है, बेटी बची है, और उनके घर की आखिरी शादी है ये। तो मैं सोच रही हूं ना कि चलूं, तो जाना भी जरूरी है। अगर हम लोग अभी नहीं जाएंगे तो वो बाद में बोलते ही रहेंगे कि आप लोग, मेरे घर की आखिरी शादी थी और आप लोग आए नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगा, बस खुश। अच्छा ठीक है, मैं ड्यूटी से शाम को घर आ जाऊंगा, तुम गिफ्ट तैयार रखना, ठीक? मैं क्या सोच रही हूँ जानू, कि बस एक लिफाफा दे देंगे, लिफाफे में 501 रुपए रख देंगे, बस हो जाएगा। शादी में जाना है, ये लिफाफा लिफाफा नहीं चलेगा, कुछ बड़ा सा गिफ्ट ले लेना, अच्छा सा, ठीक? अच्छा बताइए, आप शादी में क्या पहनेंगे? तुम बताओ क्या पहनो, अब ठंडी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कोट पैंट ही पहनूंगा, कि मैं कोट पैंट ही पहनूंगा। तुम देख लेना अपना, जो पहनना हो पहन लेना, ठीक? मैं साड़ी ही पहनूंगी, क्योंकि शादी है तो शादी में सलवार सूट तो चलेगा नहीं, इसलिए साड़ी ही पहनेंगे हम, ठीक है? तो मैं शाम को ड्यूटी के बाद घर आता हूँ, फिर चलूंगा, ठीक? तुम तैयार रहना, तो मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ हेलो, मैं रमेश का दोस्त हरीश। हेलो, हाँ हाँ बोलिए हरीश भाई साहब। भाभी जी, अच्छा बताइए कि रमेश आज ड्यूटी गया था क्या? हाँ हाँ गए थे,
ये ड्यूटी गए थे। अच्छा, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी मेरे उनसे बात हुई है, थोड़ी देर पहले। मेरे दोस्तों ने बताया, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं भी आती हूँ फिर, चलिए। आपको भी आना है? आप जा रहे हैं वहीं पर? अच्छा, मैं वहाँ पे जाके वहाँ की जो भी सिचुएशन होती है मैं आपको बताता हूँ, और फिर अगर हो सकेगा तो मैं आपको लेने आऊँगा, नहीं तो आप किसी के साथ चले आइएगा। भाभी जी, मैं जाता हूँ फिलहाल। अच्छा ठीक है, फिर मैं किसी के साथ आती हूँ। वहाँ की जो भी कंडीशन होगी मैं आपको बताऊँगा। आप पहुंचिए वहां पर, जैसा भी हो वहां का हालचाल बताइएगा हमको। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत होना भाभी जी, मैं अभी तुरंत निकलता हूँ। मैं जा ही रहा था। ठीक है भाभी जी, अपना ध्यान रखिएगा, मम्मी का भी। मैं फोन रखता हूँ। मदन जी हैं। अच्छा, मदन है इस टाइम। सिस्टर से ले लीजिए थोड़ा से। अरे आप नहीं बेचते क्या? थोड़ा सा नहीं चाहिए, बंडल दे दीजिए छोटा वाला। शोभना, अरे अरे आप लेटे रहिए, आप परेशान नहीं हुई है? आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं डॉक्टर को अभी अभी बोलती हूँ तुरंत। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करिए, देखिए इनको कितनी चोट लगी है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम भी मतलब परेशान मत हो। ये मरीज कहाँ से आया? मैं ठीक हूँ, मेरी गाड़ी से जिस जानवर का एक्सीडेंट हुआ ना, वो तो बेचारा मर ही गया। इसको तो बहुत खून बह रहा है। कुछ करिए डॉक्टर साहब, जल्दी करिए। चलो भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ ना। ऐसा करिए, आप लोग थोड़ा बाहर चलिए, बाहर बैठिए, मैं इनका इलाज करता हूँ। इतनी सारी चोट लगी है, बाप रे। चिंता ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा और घर आ जाऊँगा। परेशान मत होना, और मम्मी से कहना चिंता ना करे। इनको ड्रेसिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। कैसे हुआ, क्या कर रहे थे आप? ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मम्मी से कहना चिंता ना करे। ठीक, बहुत ज़रूरत है, इनको ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे इनका ड्रेसिंग होगा अच्छे से। हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़ जाए, तो प्लीज़ आप लोग बाहर बैठिए, बाहर इंतजार करिए। नर्स, इसे जल्दी से लेके चलो आईसीयू में। कैसे लगी चोट? इनको शिफ्ट करो आईसीयू में, और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर
रेडी करो और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसका बहुत ज्यादा सर्जरी की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और वो व्हील चेयर लेके आओ, इनको जल्दी से उसे बिठा के लेके चलो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। सो प्लीज सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।